आपको क्या फिक्र है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? जो लड़ेगा आपके सामने आएगा और आपको जबरदस्त मुकाबला देगा, आपको फिक्र क्यों है? मेरी सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और फिक्र जो मैं कहूंगी कि ये तो शायद इस परिवार में है। और क्यों है, ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से इन लोगों का सपोर्ट वोट परसेंटेज है, वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वो डिक्लाइन पर है, वो लगातार कम हो रहा है। तो जब लगातार कम हो रहा है, वो जानते हैं कि इस बार जो है दोबारा से अमेठी में हार का सामना करना पड़ेगा और रायबरेली में, क्योंकि सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं और ये सीट ऐसी है इन्होंने कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी और को दी नहीं है। इंदिरा गांधी जी जब दो जगह से उन्होंने कंटेस्ट किया था तो वो साउथ की सीट उन्होंने रखी थी और रायबरेली में ये था कि भाई किसको लड़वाए, तो मोहम्मद यूनुस इनके बहुत करीबी थे, मना कर दिया उन्होंने, और फिर अरुण नेहरू जी आए थे। तो ये दोनों की दोनों सीटें इस परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, शायद फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अमेठी में स्मृति जी चट्टान की तरह खड़ी हैं, उनका काम है, वहां के लोगों का जुड़ाव है, डबल इंजन की सरकार है। तो अमेठी मैंने सुना है राहुल जी शायद लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो अभी यही फैसला नहीं हो पा रहा है। अब आप बहुत उकसाएंगी राहुल गांधी को, तो वो बनारस भी तो जा सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र भारत में कहीं से भी लड़ सकते हैं, आए हमें तो अच्छा लगेगा, वाराणसी से बिल्कुल। अच्छा चलो, गांधी फैमिली नहीं दे रही, कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, आप एक कारण बता सकती हैं कि आप रायबरेली में अब तक प्रत्याशी क्यों नहीं दे पाई हैं? हम भी इंतजार कर रहे हैं। किसका? इनके परिवार से कौन आ रहा है? अगर परिवार नहीं लड़ा तो इसका मतलब कि आप खुद ही श्योर नहीं हो, इसलिए आप प्रत्याशी नहीं दे पा रही हो। और अगर श्योर होती, डंके की चोट पर वहां प्रत्याशी घोषित कर देती। बिल्कुल, डंके की चोट पर ही करेंगे, क्योंकि भाई वहां पे हमारा मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी में भी जो गांधी नेहरू परिवार है उसके साथ है। पर हाँ ब्रजेश जी, एक बात कहूंगी, इस परिवार में अगर सबसे ज्यादा हिम्मती कोई है तो रॉबर्ट वाड्रा है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने लगातार अपनी इच्छा जाहिर करी है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी पार्टी में तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुझे टिकट दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी कहते हैं, किसको लड़ा रही? चलिए आप ही दो चार नाम बता दीजिए। अरे मैं खुद बैठी हुई हूँ रायबरेली के लिए, चुनाव लड़ना चाहती थी। कहाँ से? मैंने तो कहा मुझे चुनाव लड़ना है, नहीं कहां मिला से? कोई बात नहीं, बागपत से? आजादी सब बागपत से या बिजनौर से? कौन आप? नहीं नहीं, मैंने कहाँ से टिकट मांग रही थी, बागपत या बिजनौर? अमरोहा। अमरोहा? अच्छा, कोई मुझे बागपत या बिजनौर बता रहा था बार बार। नहीं नहीं, वो तो आरएलडी के पास चली गई थी ना, तो वो वहां मैं कैसे मान। ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है, हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मिज खान साहब,